तो गाइज, आपने कभी सोचा भी नहीं होगा कि एक बंदा एक गाड़ी के डिजाइन से इतना दुखी हो जाएगा, मतलब एक आने आई नई गाड़ी के डिजाइन से इतना दुखी हो गया कि उसने उसके डिजाइनर को बोल दिया कि महिंद्रा को तो तुम्हें बाहर ही निकाल देना चाहिए, तुमने तो मेरा सपना ही तोड़ दिया। तो ये एक्चुअल में हुआ है। हुआ क्या है कि एक बंदा है जिसकी स्क्रीनशॉट साथ में मैंने लगा दिया है, तो इसने प्रताप बोस जो डिज़ाइनर है जिसने महिंद्रा थार रॉक्स का नया डिज़ाइन बनाया, उसको डायरेक्ट मैसेज कर दिया इंस्टाग्राम पे। तो उसने बोला, महिंद्रा शुड किक यू आउट, यू हैव डिस्ट्रॉयड द डिज़ाइन ऑफ द थार रॉक्स, व्हाट द एफ, वेरी अनप्रोफेशनल डिज़ाइन फ्रॉम यू, साइड लुक शिट, बोलेरो प्रो मैक्स, मतलब बिल्कुल बोलेरो प्रो मैक्स लग रहा है। तो ये बात मैंने भी अपनी वीडियो में बोली थी, नहीं देखा तो आई बटन में देखना। सो आई वॉज वेटिंग फॉर ईयर्स टू बाई इट बिकॉज माई फैमिली रिक्वायर्ड 5-डोर कार, बट यू रूइन माई ड्रीम्स विद योर शिट डिज़ाइन। मतलब शिट डिज़ाइन बोलती है लिटरली। विद योर ओन इंटरेस्ट यू डिस्ट्रॉयड मैनी पीपल, मतलब ड्रीम आ गया। उसने पूरा स्क्रीनशॉट नहीं शेयर किया, तो बेसिकली प्रताप बोस ने खुद ही स्क्रीनशॉट डाला कि ऐसे ऐसे मतलब मिल रहा है, हर किसी को मैं खुश नहीं कर सकता। तो अब मैं थोड़ा हिंदी में बताता हूँ। तो उसने बोला, महिंद्रा को तुम्हें निकाल देना चाहिए, तुमने तो पूरा बर्बाद ही कर दिया। जो महिंद्रा थार रॉक्स का डिज़ाइन बहुत अनप्रोफेशनल डिज़ाइन है, मतलब उनको लगा कि लाइक ये तो मतलब बहुत ही घटिया बनाया उसने, और शायद मतलब साइड है वो लुक शेट, मतलब जो गाड़ी की साइड है वो तो बहुत ही बेकार लग रही है। आप शेट को हिंदी में आपको क्या कहते हो तो पता ही है। सर, ये तो टट्टी है। और बुलेरो प्रो मैक्स, तो बुलेरो का ही प्रो मैक्स वर्जन की एक लेवल अप वर्जन है, वही लग रहा है। मैं बहुत सालों से इंतजार कर रहा था इस गाड़ी का, क्योंकि मेरी फैमिली में 5-डोर गाड़ी की ज़रूरत थी, लेकिन तुमने तो मेरे सपने ही तोड़ दिए अब अपने घटिया डिज़ाइन की वजह से। तो अब ऐसा कुछ हुआ है, ठीक है। अब इसमें क्या है ना कि एक्चुअली लोगों को ये नहीं पता, कई लोगों को मतलब जो जानते भी हैं कि महिंद्रा ऑलरेडी जीप के साथ में केस लड़ चुका है और वो जीत भी चुका है, जब उसका पहले रैंगलर के ऊपर मतलब केस था, क्योंकि जो 2-डोर थार है वो उसकी ही जैसी दिखती थी। तो उसको अवॉइड करने के लिए उन्होंने क्या किया कि जो सेकंड जो आपका ए बी और सी पिलर है, बेसिकली एक तो बी पिलर के ऊपर उन्होंने एक सेकंड गेट के ऊपर हल्की सी एक लाइन अलग से दी है जो ब्लैक कलर के अलावा सब पे विजिबल है, ठीक है। तो एक वो, और दूसरा क्या है, उसके ऊपर जो एक आपका हैंडल है वो ऊपर करके दे दिया सेकंड वाले गेट का, और एंड में जो जो लास्ट का क्वार्टर ग्लास है वो पता नहीं क्या अजीब सा टेढ़ा सा ट्रायंगल में दे दिया। सेकंड गेट के बाद एक हल्की स्लांट आ गई। तो हुआ क्या है कि इससे क्या हो गया कि उसकी रैंगलर से थोड़ी सी लुक चेंज हो गई है। तो महिंद्रा यही ट्राई कर रहा है अपने डिज़ाइन के साथ में। मुझे लगता है जब उन्होंने डिज़ाइन बनाना शुरू किया होगा तो यही मेन फोकस किया होगा कि हमें किसी भी तरीके से केस से बचना है। तो इस तरीके से वो केस से बच सकता है, क्योंकि उनकी गाड़ी का जो डिज़ाइन है वो बहुत हद तक चेंज हो चुका है, ठीक है। तो अब क्या है कि कहीं ना कहीं देखा जाए तो महिंद्रा ने अपने हिसाब से तो सही किया, लेकिन लोगों को जो एक्सपेक्टेशन थी कि यार थार का जो 5-डोर आएगा वो कहीं ना कहीं थार जैसे ही होगा, थोड़ा थोड़ा सा बस स्ट्रेच होगा कि भैया 2 सीट, और सीट तो पहले भी थी, थोड़ी सी बूट स्पेस ऐड होगी, 2 एक्स्ट्रा गेट लगेंगे तो बेटर लगेगा। तो क्या है कि थार महिंद्रा के ऑलरेडी बहुत केसेस चलते रहते, तो उनको लगा कि यार ये उनकी मतलब हाई सेलिंग कार है, तो इसमें अगर हो सके तो अगर वो केस से बचे जाएं तो ये फ़ायदा होगा कि अभी जैसे थार को इंटरनेशनली नहीं बेच सकते हो, वैसे ये थार रॉक्स को बेच पाएंगे। तो अब उन्होंने तो यार अपने प्रॉफिट का सोचा। अब उसमें क्या, कई लोगों को फिर वो डिज़ाइन जैसा बना वो लोगों को अच्छा नहीं लग रहा। आपको कैसा लगा डिज़ाइन प्लीज़ कमेंट ज़रूर करना, और आपको क्या सही लगा ये चीज़ जो उस बंदे ने डायरेक्ट मैसेज कर दिया प्रताप बोस को, तो कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, ऐसी और कार न्यूज़ के लिए सब्सक्राइब करना, और वीडियोस बैक टू बैक आएगी पक्का।